नमस्कार मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर प्लीज कोई बता दे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कोई भी आप सभी को गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर प्लीज एक बार मुझे कोई बता दे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है प्लीज एक बार बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है नैन्सी जी सर ऑल क्लियर थैंक यू थैंक यू सो मच सबसे पहले बच्चों माफी मांगता हूं और एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया था टेक्निकल प्रॉब्लम यह था कि मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा था और कैमरा स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था तो अगर मैं 5:30 पर आपके सामने आ गया होता तो मैं सामने नहीं आ पाता मेरी आवाज सिर्फ आप तक पहुंच रही होती कई बार बहुत सी चीजें अपने हाथ में नहीं होती और हम उनको हाथ में लाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसके चक्कर में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ करेंगे क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत कोई कमी नहीं थी टेक्निकल एरर था जो किसी के साथ हो सकता है आपके जीवन में भी कई बार आया होगा बच्चों आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और जर्नी यह है कि हम बात करेंगे भूगोल कक्षा ग्यारह अर्थात ज्योग्राफी क्लास इलेवेंथ की एनसीआरटी जिसका टाइटल है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अर्थात मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें फिजिकल जो ज्योग्राफी है जैसे एक शब्द आप सुनते हैं तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है अच्छा सबसे कठिन वाला एरिया हम उस एरिया पर बढ़ रहे हैं हम यहां पर उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो ज्योग्राफी जो को आसान भी बनाते हैं और कठिन भी बनाते हैं यहां पर ये यह जो चैप्टर आपको दिखाए गए हैं अगर आपकी कमांड इस पर अच्छे से बन गई तो मान के चलिए प्रीलिम्स और मेंस का लगभग फोर्टी परसेंट एरिया आपने कवर कर लिया है क्यों कर लिया है क्योंकि यहां पर आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझने मेन कॉन्सेप्ट्स को आप चेक करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में यहां पर जितने कॉन्सेप्ट होंगे आप उनके कॉन्सेप्ट के सिद्धांत को समझेंगे देखेंगे कि क्या सिद्धांत है किस प्रकार के कार्य करता है किस तरह की चीजें उसमें होती हैं और जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप उसको देखते हैं कि आपने जो सिद्धांत पढ़े हैं वह सिद्धांत किस रूप में कार्य कर रहे हैं या नहीं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि हम कहें हम बात करें खनिज और सेल की हम बात करें यहाँ पर भू आकृतिक जो यहाँ पर चैप्टर है ठीक इसी तरह से हम बात करें वही जो है कि विश्व के जलवायु का परिवर्तन इसी तरह से हम जितने भी चैप्टर्स ये देख रहे हैं इनके सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझते हैं और इन्हीं चीजों को हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या करते हैं क्रॉस चेक करते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमने जो सिद्धांत पढ़े वह किस रूप में कार्य कर रहे काफी अल्टीमेट बुक है और इस वजह से अल्टीमेट है क्योंकि इसके हर लाइन कुछ ना कुछ छुपा हुआ है मेरा प्रयास यह होगा कि जो एनसीआरटी आपके सामने है इसको इस तरह से डील किया जाए जिससे एक शानदार कॉन्सेप्ट एनसीआरटी कंप्लीट होने तक आपका तैयार हो जाए ठीक है बच्चों चले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप अगर चाहें तो लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ग्रुप में भी शेयर कर दें जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं या जो 530 पर आए होंगे और वो किसी भी कारण से मुझसे नाराज होकर गए होंगे तो वापस हो सकता है आज ठीक है अब ये जो बुक है जिसको मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहूंगा मेरे पास किताब यहां पर नहीं है है ना लेकिन नहीं होता तो मैं दिखा देता तो ये जो किताब है है ना अपने आप में बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स है अर्थात कॉन्सेप्ट्स की ही यहां पर भरमार है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कई बार आपको उलझे हुए प्रतीत नजर आएंगे आपने अगर इस किताब को पढ़ा होगा या पढ़ने का प्रयास किया होगा तो आपको थोड़ा सा कठिनता महसूस हुई होगी कारण यह है कि यहां पर कुछ बड़ी बड़ी चीजें काफी संक्षेप में लिख दी गई अब बड़ी बड़ी चीजें जब संक्षेप में लिख दी गई हैं, यहीं पर टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह क्या करे आपको शानदार तरीके से इस चीज को पढ़ा तो देखिए इसका जो पहला यूनिट है इसमें हमें बात करना था भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का जो डिसिप्लिन है वह क्या बताता है उसका संबंध अन्य विषयों से कैसे है ज्योग्राफी का विकास किस रूप में हुआ यह सभी चीजें तो यह जो चैप्टर है यह जो यूनिट है मैं कल आपके अन अकेडमी के ऐप पर कंप्लीट करवा चुका हूं इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे लेकिन अगर आप जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को पढ़ते हैं तो आप खुद भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ते अर्थात यह जो चैप्टर है यह जो यूनिट है इसको सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे भी सिर्फ एक बार पढ़ते हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो कोई भी सिंगल फैक्ट यहां पर नहीं है इसमें यह बताया गया है कि दरअसल ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में क्या हम पढ़ते हैं स्वाभाविक है, है यह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका जो सिलेबस है स्टार्ट होता है यूनिट सेकेंड से और आज से हमारी क्लास यहीं से स्टार्ट होगी यहां से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों और यहां पर यह जो यूनिट सिक्स है यहां तक आएंगे हम हर चैप्टर को काफी शानदार तरीके से समझने वाले चलिए आगे बढ़ जाते हैं यह मेरे विषय में है मेरा नाम सुनील वर्मा है मैं पिछले आठ वर्षों से मुखर्जी नगर दिल्ली के प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान है उनका मैं फैकल्टी रहा हूं और उन फैकल्टी में सेवा देने के बाद अब मैं अन एकेडमी के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है या अगर आपको लगता था कि कभी आप मुखर्जी नगर जाकर पढ़ें तो आप मुझसे एक बार पढ़कर देख लीजिए और आप अपने किसी भी मित्र से बात करके उसी टॉपिक पर देख लीजिएगा जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं जब आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं हम बिना मुखर्जी नगर गए ही बहुत शानदार तरीके से घर पर रहकर हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप भरोसा कर लीजिएगा कि यह जो मुखर्जी नगर का एक्सपीरियंस आपको मिला इसके लिए आपको क्या करना होगा मुझे फॉलो करना होगा मुझे मुझसे जुड़े रहना होगा और मुझसे जुड़ने के लिए आप यह टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं ये जो टेलीग्राम चैनल है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और इस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अर्थात टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं यहीं पर यह जो बुक हमने स्टार्ट किया है इसकी पीडीएफ इसके नोट और क्लास की सभी सूचनाएं आपको मिलेंगे और साथ ही साथ अन्य भी बहुत से नोट्स मैं यहां पर डालता हूं जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लास जाती है उसके भी नोट्स यहीं पर डालता हूं तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं देखिए अन अकेडमी के द्वारा एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है सत्ताईस मार्च को इसमें आप पार्टिसिपेट करिए यहां पर इनरोलमेंट कराना होगा उसके लिए एक आपको एक रेफरल कोड चाहिए होगा ये रेफरल कोड आप मेरा यूज कर सकते हैं इस समय फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफर चल रहा है और यहां पर जो क्या करना है आपको अगर इस समय आईकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ट्वेंटी परसेंट का ऑफ मिल जाएगा और यहां पर आप एक कोड यूज करेंगे जो कि है एस वी लाइव इसको यूज करते ही क्या होगा टेन परसेंट आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा इस तरह से आपके पैसे की बचत हो जाएगी यहाँ पे प्लस कॉम्बो या आइकोनिक कॉम्बो की फी डिटेल दिखी गई है। आप इसको देख सकते हैं जो भी कोर्स आप लेना चाहे आप ले सकते हैं और अगर आपको लगता है कि सुनील वर्मा सर के साथ आपको जुड़ना है मुखर्जी नगर की जो ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों में जो पढ़ाया जाता है जिस तरह से गाइड किया जाता है उस प्रकार की गाइडेंस की आपको जरूरत है तो आप यह कोड यूज कर सकते हैं इस कोड को यूज करते ही आप मुझसे जुड़ जाएंगे मैं आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान करूंगा आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है आपके स्कोर का जो है कि मैं मूल्यांकन करूंगा और समय समय पर आपको फीडबैक देता रहूंगा हर चीज आप में क्या होगा आपको मेरा सहयोग मिल जाएगा यह कोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है गेम चेंजर हो सकता है जैसा कि अभी तक कम मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको इसका अहमियत पता है यहां पर देखिए अनअकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है आपके पास यह टेस्ट की सीरीज चल रही है आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और काफी सस्ते दाम पर आपको यहां पर ये यह चीजें दी जा रही हैं 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 इसका यूज कर सकते आइकॉनिक्स जो सब्सक्रिप्शन होता होता है है सबसे खास क्योंकि पर्सनल कोच मिलते लाइव मेंटरशिप की सुविधा मिलती है मीन की आप क्वेश्चन लिखकर उसके आंसर चेक करा सकते हैं आप उसका जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं आपको स्टडी प्लानर मिलते हैं ओपन हाउस विध एजुकेटर की सुविधा मिलती है सभी चीजें इसको खास बनाती है यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप दोनों की फी अमाउंट आपको पे नहीं करना है यूज कर लीजिएगा, और, और आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ जाएंगे डिटेल दी गई है सभी चीजें दी गई है चलिए आ जाते हैं यहां पर हम अपनी किताब पर आ जाते हैं इसको, इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों विभांशु जी कह रहे हैं सर प्लीज पूरी एनसीआरटी ये बच्चों पूरी एनसीआरटी होगी लेक्चर वन है आज ठीक है आज लेक्चर वन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है और इसको मैं ऑलरेडी ऐप पर करा चुका हूं यहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है एक एक लाइन एक एक लाइन इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थात जब आप इस एनसीआर को मुझसे पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ आपने एनसीआर नहीं पढ़ी है बल्कि आपने एक अच्छा खासा टेक्स्ट बुक पढ़ लिया ठीक है ठीक है बच्चों आगे बढ़ते तो देखिए सबसे पहले आज हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है यहां से हो रही है आज का हमारा जो लेक्चर होगा इसी चैप्टर पर सिर्फ फोकस होगा उसके बाद कल से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे ये जो चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास काफी डायनेमिक है मैं आपको बस एक दावा करता हूं एक चैलेंज करता हूं वो यह है कि इस चैप्टर को अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपका एक कॉन्सेप्ट होगा ही और जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपका मन पाया है मेरी इस क्लास को फॉलो करिए लास्ट तक जो कॉन्सेप्ट उसके बाद बनेगा वह बताइएगा कितना अलग है कितना शानदार है चलिए अब देखिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर बात करूं उससे पहले आपको मेरा कुछ सुझाव है ठीक है बच्चों मेरा कुछ सुझाव है और ये जो सुझाव है आपके लिए क्या है काफी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपको क्या हो इसका आउटपुट मिले और आउटपुट कैसे मिलेगा बच्चों आउटपुट तभी मिलेगा जब क्या करेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे सुझाव मेरा यह है कि मेरी क्लास में रटना मना होता है आज से आपको रटना नहीं है कोई चीज समझ में नहीं आएगी आप मुझसे पूछेंगे बस एक चीज ध्यान रखेगा, आप रिलेटेड प्रश्न ही लेकिन अगर मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आता है आप मुझसे पूछिएगा कोई भी सिंगल लाइन आपको रटना नहीं है अगर आपने मुझसे पढ़कर भी रटने का प्रयास किया तो मान के चलिए ज्योग्राफी आपके लिए काफी होने वाली सेकेंड थिंग जब आप क्लास में मेरे साथ बैठे हुए हैं तो आपको पहला सुझाव तो मैंने दे दिया कि आपको समझने का प्रयास करना है और जो चीज समझ में आए मुझसे पूछिए दूसरी चीज आपको क्या करना है कॉपी और पेन लेकर बैठना है मैं आपको ये पीपीटी दूंगा पीडीएफ दूंगा सभी नोट्स जरूर दूंगा पूरी किताब का नोट्स मैं दूंगा लेकिन आपको क्या करना है आपको नोट्स लेकर बैठना है जो जो चीजें मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से बोर्ड पर खींचू कोई समझाने का प्रयास करूं कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी शब्द आप भी उसको लिखते चलिएगा इससे क्या होगा आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है आपकी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है बच्चों चल इन दो चीजों को बस फॉलो कर लीजिए उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चलो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि जहां से स्टार्ट होती है वहां से थोड़ा सा खतरा चालू होता है और खतरा इस तरह का चालू होता है कि व्यक्ति उलझ जाता है हम आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाते हैं स्टोरी बच्चों है कि अगर आप रात में जैसे आज ही है है ना आप क्लास के बाद छत पर जाइएगा और छत पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत से तारे देखने को मिल रहे हैं। जब आप इन तारों को देखते हैं जब आप इन तारों को देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न आते हैं प्रश्न क्या आते हैं ये तारे कैसे बने होंगे ये कितनी संख्या में हैं और जब आप इन तारों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई एक तारा एक स्थान पर नहीं है असंख्य तारे हैं और असंख्य जब इन तारों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो हमारा आकाश है इसमें बहुत से तारे हैं जैसे आप देख सकते हैं बहुत से तारे अब ये जो तारा का समूह है यह हमको बताता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो काफी बड़ा है हमें ब्रह्मांड भी नहीं पता हमें अभी सोलर सिस्टम भी नहीं पता हम छत पर गए छत पर जाकर हमने देखा तारा जब इन तारों को आप देखते हैं तो अब क्या करें एक बार थोड़ा सा और अलग तरीके से देखिए आप क्या करिए आप जब आप रात में आकाश को देख रहे हैं तो जैसे आपने लाखों करोड़ों को तारों को देखा यह जो लाखों करोड़ों तारे हैं यह लाखों करोड़ों किलोमीटर की एरिया में फैले हुए कहीं से भी देखेंगे इनका जो विस्तार है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा इन्हें दूर से देखने पर एक पट्टी नुमा संरचना दिखेगी जैसे हम आसमान से देख रहे हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप क्या करें थोड़ा सा दूर पृथ्वी से ऊपर आप जाकर सेटेलाइट से देखने का प्रयास करें या फिर क्या करें आप दूरबीन से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी यह जो तारे हैं यह तारे क्या है एक पट्टी संरचना में है पट्टी नुमा का आप देखिए जो आकाश है उसमें भी आप देख रहे होंगे कहीं तारे घने होते हैं कहीं दूर दूर होते हैं दरअसल यह जो हमारे तारे हैं एक पट्टी नुमा संरचना में है और चूंकि इस पट्टी का विस्तार चूंकि इस पट्टी का विस्तार काफी बड़े एरिया में है तो हमको समझ में नहीं आता कि आखिर यह पट्टी नुमा संरचना है जब आप देखते हो ऐसे तो आप स्वाभाविक है आपकी आंखें जहां तक देख सकती हैं आप वहीं तक के एरिया को देखते हो तो वो आपको एक पट्टी नजर नहीं आती है लेकिन जब आप इसको देखते हो दूरबीन से अन्य चीजों से देखते हो तो आपको पता चलता ही जो तारे हैं पट्टी नुमा संरचना में है और जो पट्टी नुमा संरचना हमको नजर आती है इसको बोलते हैं गैलेक्सी या आकाश गंगा तो आकाश गंगा क्या है आकाश गंगा एक पहला शब्द आया है जिसको हमने यूज किया वह यह है कि जो हम तारे देख रहे हैं आसमान में आसमान में जब हम तारों को देखते हैं तो तारे जो है वह उतने ही नहीं है जितने हम देख पा रहे हैं उससे भी असंख्य की संख्या में अब जो तारे हैं इनकी जो संरचना है यह जहां पर है एक पट्टी नुमा संरचना में है उस पट्टी नुमा संरचना को हम बोलते हैं गैलेक्सी या आकाश गंगा आकाश में गंगा गंगा किस तरह की व्हाइट कलर की और व्हाइट कलर गंगा का पानी कैसा होता है एकदम स्वच्छ निर्मल सफेद ठीक इसी तरह से जब आकाश में आप देखते हो तो तारों का जो समूह है वह जिस पट्टी नुमा संरचना में दिखाई देता है उस पट्टी नुमा विशाल संरचना को हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं आकाश गंगा प्रत्येक आकाश गंगा में अनुमानतः सौ अरब तारे हैं अब देखिए यहां पर एक नया शब्द बच्चों जुड़ गया अरब तो अरब तारे, अरब आप कैलकुलेशन करिए, इसको यूनिट में लिखने का प्रयास करिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा तो एक अगर आकाशगंगा हम देखते हैं इसका मतलब क्या है उसमें सौ अरब तारे हैं इसी के कारण हमें आकाशगंगा कभी पूरी दिखाई नहीं देती हमारी आंखों की क्या है लिमिटेशन है हम छोटे से एरिया में रहते हैं क्योंकि यह जो आकाश गंगाएं हैं इनका विस्तार लाखों करोड़ों किलोमीटर में है ऐसे में क्या होता है हम छोटे से एरिया में देखते हैं तो हमको तारे ऐसे दिखते हैं लेकिन दूर से देखेंगे तो पता चलेगा यह जो तारे हैं हो सकता है यहां के तारों को हम देख रहे हो या हमारे ऊपर जो आकाश है हम उसके एक किसी इस आकाश गंगा के एक छोटे से पॉइंट को ही देख पा रहे हो क्योंकि इसका विस्तार क्या है ज्यादा तो हमने यहां पर एक शब्द समझा आकाश गंगा आकाश गंगा क्या है कि जो हम रात में तारे देखते हैं इनका एक जो है कि स, एक समूह है एक भाग है जो हमको क्या है एक तस्तरी नुमा या फिर इसको इस रूप में समझिए एक पट्टी नुमा संरचना में जिसका विस्तार हुआ दिखाई देता है लाखों गैलेक्सी में एक हमारी भी गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकनी अर्थात मिल्की वे तो अब हमने बताया कि जो आकाशगंगा है उसमें लाखों करोड़ तारे हैं और इसी तरह से आकाशगंगा भी एक नहीं है आकाशगंगाओं की संख्या भी मिलियन में है और हर आकाशगंगा में क्या है बहुत से तारे हैं जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मंदाकिनी और मंदाकिनी जिसको हम इंग्लिश में इंग्लिश मिल्की वे कहते हैं इसमें भी क्या है लाखों तारे हैं इन्हीं लाखों तारों में एक तारा है सूर्य और यह जो सूर्य एक तारा है इसी के चारों ओर क्या बने हुए हैं ग्रह और उपग्रह बने हैं और इन्हीं के पूरे समूह को हम क्या कहते हैं सौरमंडल कहते हैं अब देखिए इसको और आसान तरीके से मैं समझाता हूँ इंटरेस्टिंग से समझाता हूँ आसमान को आप देखते हैं तारे नजर आते हैं जो तारे आपको नजर आते हैं दरअसल वह एक आकाश गंगा एक मिल्की जो है कि एक गैलेक्सी का क्या है पार्ट है अब जो आकाशगंगा हम देख पा रहे हैं स्वाभाविक है हम उसी आकाशगंगा को देख पा रहे हैं जिसमें है उसका नाम है मिल्की वे हर आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे हैं ठीक इसी तरह से हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है इसमें भी लाखों करोड़ों तारे हैं इन्हीं लाखों करोड़ों तारों में से एक तारे का संबंध हमसे ज्यादा है जिसका नाम है सूर्य इसी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं उपग्रह हैं इन्हीं से मिलकर बना है सौरमंडल तो सौर मंडल के सापेक्ष हमने समझा कि ये जो आकाश गंगाएं हैं ये क्या होती हैं और अब क्या करोगे सभी आप गैलेक्सी अर्थात आकाश गंगा को मिला दोगे तो इससे बन जाएगा ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स तो यूनिवर्स बच्चों क्या हुआ यूनिवर्स का मतलब है कि लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या है ब्रह्मांड अब देखो आप एक तरह से एज्यूम करना आप देखो मैंने कहा हमारा जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड में करीब जो है कि सौ अरब आकाश गंगा एक दो नहीं लगभग सौ अरब आकाश हैं प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग सौ अरब तारे हैं और इन तारों में से एक तारा है सूर्य इसी सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह जिनका संबंध हमसे है उसको कहते हैं हम सौर मंडल और सौर मंडल के अनेक ग्रहों में से हमारी एक पृथ्वी है और हमारी जो पृथ्वी है इसमें कई महाद्वीप हैं इन महाद्वीपों में कई देश हैं इन देशों में कई राज्य हैं इन राज्यों में कई जिले हैं और इन राज्यों में कई इन जिलों में क्या है कई कॉलोनी और घर हैं अर्थात हम हैं अब आप कल्पना करो आप बैठे हुए हो अब आपको ऊपर उठना है तो आप क्या करोगे जिला स्तर को देखो फिर कल्पना करो आप राज्य देख रहे हो फिर कल्पना करो आप देश देख रहे हो फिर आप कल्पना करो एशिया महाद्वीप देख रहे हो फिर आप कल्पना करो आप क्या कर रहे हो आप पृथ्वी देख रहे हो फिर आप कल्पना करो आप सौर देख रहे हो फिर आप कल्पना करो कि आप सौर जो है वह किसका एक मिल्की वे एक आकाश का भाग है अब आप क्या करो ऐसी लाखों करोड़ों आकाश हैं और फिर लाखों करोड़ों

बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं प्लीज बताइए प्लीज हो गया क्लियर हुआ ओके okay, ठीक है तो देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूं बस एक मिनट में रिवीजन कर लीजिए कि हम आसमान में खड़े हैं आसमान में हम जो तारों का समूह देखते हैं ये तारे हमको जिस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं दरअसल वह किसी आकाश गंगा का क्या है भाग है हमको जो तारे दिखाई देते हैं हमारी आंखों से उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे मंदाकनी इसी तरह से बहुत सी क्या है आकाश गंगाएं हैं और इन बहुत सी आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बना है हमारा जो ब्रह्मांड बना है अर्थात ब्रह्मांड में करोड़ों जो है कि आकाश गंगाएं प्रत्येक आकाश गंगा में से एक तारा है सॉरी सौ अरब तारे हैं इन्हीं तारों में से एक तारा है, है सूर्य इसी सूर्य के चारों ग्रह और उपग्रह का एक सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं हम सौर मंडल और इसी सौर मंडल के एक ग्रह से हमारा संबंध है जिसका नाम है पृथ्वी और इस पृथ्वी पर महाद्वीप फिर देश फिर राज, फिर जिला फिर गांव और फिर उसमें हम लोग आते हैं इस तरह से चीजों को आपने समझ लिया। यहां तक देखो बच्चों इस इमेज को आप कल्पना करना ये इमेज क्या बताने का प्रयास कर रहा है यहां तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं अभी एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट नहीं किया अब बच्चों में क्या कर रहा हूं एनसीआर स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां तक इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि जो शब्द हैं ब्रह्मांड शब्द यूज होगा आकाशगंगा शब्द यूज होगा तारा शब्द यूज होगा मिल्की वे शब्द अगर आए आगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह कहां से आ गए यह जो एनसीईआरटी है कहीं कहीं पर इसी के कारण टफ हो जाती है कि वो क्या करती है बड़े शब्दों की बमबार्गिन कर देती है और जब इस तरह के बड़े शब्द आपके सामने अचानक आते हैं तो आप घबरा जाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता क्लियर हुआ बच्चों क्लियर हुआ अब देखिए हम आ गए हैं इस एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ पर ठीक है बच्चों पहले पैराग्राफ पर ठीक है मेरी किताब यहां पर नहीं है बच्चों अच्छा एक सेकेंड मुझे दीजिए किताब नहीं है ठीक है हाँ तो अब देखिए जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे चैप्टर सेकेंड और पृथ्वी तो आप इसके पहले पैराग्राफ को खोल कर देखिए अगर आपके पास किताब है तो आप खोल कर देखिए पहले पैराग्राफ की जर्नी अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अभी तक की जो चीजें बताई मैंने इसलिए बताई ताकि अब जो पैराग्राफ में चीजें आए आप उसको क्या करें समझ सकें ठीक है बच्चों अब देखो एक चीज देखिए ये रही हमारी किताब इसी किताब पर हम बात कर रहे हैं ठीक है ये रही हमारी किताब अब देखिए मैं इसका पहला चैप्टर कल ही करवा चुका हूं आपको अब इस किताब को मैं दिखाता हूं ठीक है अब देखो ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर ठीक है एक सेकेंड बच्चों, दिख रहा है हां अब देखो अब इसको आप देखोगे अब देखो इसका पहला पैराग्राफ पहला पैराग्राफ देखो देखिए पहला पैराग्राफ देखिए ध्यान से देख लीजिए पैरा पैराग्राफ ठीक है और देखो पहला पैराग्राफ मैंने क्या लिखा वही लिखा है यह मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए ये एक सिंगल लाइन भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैं और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाऊंगा तो पहला जो पैराग्राफ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने नर्सरी कक्षा में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना होगा यही यहीं से यह क्या करती है अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और यहीं से मैं भी अब समझाने का प्रयास करूंगा यहां तक की चीजें इससे पहले की चीजें इसलिए बता दी ताकि यहां पर जो शब्द आए आप उनको यूज़ कर सके। तो जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं इसका मतलब आप इन तारों की बात कर रहे होते हैं तो इस पैराग्राफ में जब यह लाइन लिखा है कि आप नर्सरी क्लास में आपने तारों के विषय में पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा यह एनसीआरटी कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं एनसीआरटी कहता है कि आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर कितने तारे हैं ये तारे कैसे बने और यह जो आकाश है इसका अंत कहां होता है इस तरह से एनसीआरटी क्या करता है अपनी बातचीत को चालू करता देखिए प्रश्न में आपके ये जो प्रश्न आपके दिमाग में आता है इसी को एनसीआरटी ने क्या किया स्टार्टिंग की जर्नी आपकी बना दी और अब जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं स्वाभाविक आपके दिमाग में आने चाहिए इन्हीं प्रश्नों का समाधान दरअसल इस चैप्टर में किया गया है इसी के कारण एन ने क्या किया यहां पर इन प्रश्नों को आपके सामने रख दिया कि आखिर कितने तारे हैं हाँ, ये कैसे बने होंगे आकाश का अंत कहां होता होगा इसी को लेकर क्या करती है जर्नी को स्टार्ट करती है अब अब देखिए जब इसके बाद आप आएंगे तो इन्हीं तारों इन्हीं पृथ्वी के संदर्भ में कुछ सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे फिर से मैं दिखा देता हूं कि आपको लगे कि पहला पैराग्राफ इतनी जल्दी खत्म हो गया हाँ बच्चों देखो खत्म हो गया आप देख सकते हो देखो देखिए पहला जो पैराग्राफ है उसमें ट्विंकिल लिटिल स्टार ही लिखा है और उस ट्विंकिल लिटिल स्टार को मैंने अभी इस पैराग्राफ पहले पैराग्राफ पर आने से पहले ही आपको बता दिया कि क्या है हमारी आकाश तारे क्या है हमारी मिल्की वे क्या है हमारा सौरमंडल क्या है और उसमें हमारा और आपका अस्तित्व क्या है इसीलिए मैं पहले बता दिया तो जितना एनसीआर ने पहले पैराग्राफ में उम्मीद की थी उससे तीन से चार गुना मैं बता चुका हूं अब देखो पहले पैराग्राफ के बाद अब देखो आरंभिक सिद्धांत डायरेक्ट आरंभिक सिद्धांत पर यह जो है कि एनसीआर आ गई है अब मैंने ये चीजें दिखा दी अब इसको आगे बढ़े देखिए तो आरंभिक सिद्धांत में सबसे पहले बात की गई है कि पृथ्वी की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति चूंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं सबसे पहले हमें उसके विषय में जानना है तो इसी के कारण यहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ हाइपोथेसिस हैं अर्थात परिकल्पनाएं हैं परिकल्पनाओं का मतलब होता है कि जिनको आप बहुत साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं लेकिन आपने एज्यूम किया कि ऐसा हुआ होगा तो जो ऐसा हुआ होगा जो शब्द यूज करते हैं, इन, हैं मतलब है? वह बिल्कुल 100%, सत्य, नहीं है. अगर 100 सत्य होती तो सिद्धांत अर्थात यहां पर हाइपोथेसिस कुछ आपको देखने को मिलेंगे लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है मैं लेकर नहीं आया ये एनसीईआरटी में लिखे हैं लेकिन हां इतना जरूर है कि एनसीईआरटी ने जिस चीज को एक लाइन में लिखा है मैंने उसको चार से पांच लाइन में लिख दिया है और उसको समझा दिया है ताकि आपके पास जो नोट्स बने वह क्या हो एक प्रकार का स्टैंडर्ड नोट्स हो जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी की चीजें ना हो बल्कि उससे एक्स्ट्रा चीजें हो क्लियर हो गया बच्चों प्लीज क्लियर हो गया बच्चों बहुत कम लोग हो मुझे लगातार डेढ़ दो सौ लोग आएंगे एक बार लिंक को शेयर कर लीजिए बच्चों हमको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा ज्यादा लोग हो जाए तो एक बार सिंह शेयर कर लीजिए यहीं से अब स्टार्ट होने जा रहा है अगर आप लोग चाहें तो एक बार शेयर कर सकते हैं ठीक है एक बार अगर चाहें तो आप लोग शेयर कर लीजिए एक मिनट में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत शानदार एनसीआरटी बच्चों, इतनी शानदार है मैं बता नहीं सकता आप इस एनसीआरटी को शुरू से लेकर अंत तक बस पढ़ लो आप देखना एकदम मजा आ जाएगा ज्योग्राफी इतनी शानदार हो जाएगी आप कहोगे क्या पढ़ लिया हमने इतने शानदार और मैं कुछ भी पढ़ूंगा नहीं मतलब यहां पर मैं NCRT पढ़ने नहीं आया कि मैं कुछ लिख कर लाऊंगा कह दूंगा, यहां पर यह लिखा है। एक -एक मेरी क्या थी रटना क्या है बच्चों मना है रटना क्यों मना है मैंने आपसे कहा कि जो मुखर्जी नगर जिस चीज के लिए जाते हो आप किस लिए जाते हो बच्चों मुखर्जी नगर कि आपको पता रहता है कि वहां के एजुकेटर पढ़ते नहीं है अर्थात वहां पर एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट होता है मेरी हर क्लास में आपको मैं यही कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और जब आप कोई भरोसा हो जाए तो क्या करना आप एस बी लाइव फूड यूज करके आप मेरा गाइडेंस प्राप्त कर लेना और फिर फर्क महसूस करना जो बच्चे मुखर्जी नगर में क्लास किसी कोचिंग में कर रहे होंगे आप उनसे बात करके देखना और यह जो मैं एनसीआरटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ना बच्चों ये जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जब ये पूरी एनसीआरटी में कंप्लीट कर दूं आप अपनी कितनी भी अच्छे दोस्त है आप उनसे बात करिएगा कहिएगा पर आप भी पढ़कर आइए हम पढ़ चुके हैं आइए बात करते हैं आप देखना आप खुद मुझे बताओगे कि आपका कॉन्फिडेंस कहां पर है आपका कॉन्सेप्ट का लेवल कितना ऊंचा है ठीक है स्टार्ट करें बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखियो हमें बात करनी है पृथ्वी की उत्पत्ति के की संबंध में जो, कल्पना और जो है कि में क्या है अंतर है लेकिन चूंकि इसका उल्लेख एनसीआर में किया है तो हम समझेंगे जितना एनसीआरटी ने लिखा है उससे कम से कम चार गुना चीजें हम समझेंगे तो पहला इसमें नाम आता है इमेनुअल कांट यह जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने 1755 में कहा एक सिद्धांत दिया और यह सिद्धांत बोलता है कांट का गैसियस सिद्धांत बोला जाता है सिद्धांत नहीं कहते इसको कहिए हाइपोथेसिस बोला जाता है इन्होंने कहा अर्थात कांट महोदय और कब कह रहे हैं बात ये 1755 में कह रहे हैं आज की बात नहीं कर रहे हैं स्वाभाविक है उस समय ना तो हमारे पास इतने टेलीस्कोप थे ना इन चीजों का विकास हुआ था ना ही हमारे पास इतनी साइंस थी उस समय जब इस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो अपने आप में क्या है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है तो इन्होंने कहा कि हमारे अंतरिक्ष में हल्की और भारी गैसे थी अब इन्होंने शब्द यूज किया ब्रह्मांड अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष ब्रह्मांड क्या है मैं आगो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 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 ही आपको बता चुका हूं तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मा में क्या था हमारे अंतरिक्ष कुछ हल्की और कुछ भारी गैसें थी भारी गैसों ने क्या किया हल्की गैसों को अपनी तरफ आकर्षित किया जिससे केंद्र में क्या हुआ जैसे अब देखो ये आप मान लो बच्चों एक सेकंड मुझे मिटाने दीजिए हाँ बच्चों यहां पर आ जाओ ठीक है अब देखो बच्चे आपके कुछ गैसे है ना ठीक है ये कुछ गैसे अब इन्हीं में से क्या है ए, ऐसे कुछ गैसे बनी हुई हैं ठीक है ठीके? ये कुछ गैसे हैं अब इन, इन्होंने कहा कि कुछ इसमें हल्की गैसें थी कुछ भारी गैसें थी फिर इन्होंने कहा कि इसमें जो भारी गैसें मान लो ये आपके कुछ भारी गैसें हैं इन भारी गैसों ने क्या किया हल्की गैसों को अपनी ओर क्या किया आकर्षित किया अब जब आकर्षित कर लिया इसके बाद क्या होता है देखो इन्होंने कहा कि हल्की गैसें भी थी और भारी भी गैसें थी भारी गैसों ने क्या किया हल्की गैसों को आकर्षित किया जिससे केंद्र में जो केंद्र का भाग था वह सघन होता गया और बड़ा होता गया तो आपको देखो जैसे यहां पर मैंने कहा तो यह केंद्र जो था यहां की जितनी गैसे थी क्या होंगी वह केंद्र की ओर आने लगेंगी और केंद्र की ओर जब आने लगी तो ये जो केंद्र का आकार था यह क्या हो जाएगा बड़ा होता जाएगा केंद्र का मतलब मध्यवर्ती भाग ये क्या हो जाएगा जब इसमें अधिक गैसें आएंगी ये सघन भी होगा और यह बड़ा भी होता गया जब बड़ा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ बढ़ती आकार के कारण वह गैसीय संरचना जो है क्या होगा तीव्र गति से घूमने लगा जो गैसें इन्होंने कहा स्टार्टिंग कि जैसे आप देखते हो बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को खींच लेता है इसी तरह से जो भारी गैसें थी उन्होंने हल्की गैसों को अपनी ओर खींचा और जब खींचा तो इससे क्या हुआ जो मध्य वाला भाग था वो सघन हो गया और सघन होने के कारण तो पूरा गैस का ही भाग था उसमें कहीं कहीं भाग क्या हो रहे थे सघन हो रहे थे तो पूरी गैसीय जो संरचना थी वह तीव्र गति से क्या होगी घूमने लगी और जब घूमने लगी तो आपको पता है कि जब कोई चीज घूमती है तो उसमें दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं एक फोर्स होता है जो बाहर की ओर लगता है जिसको पसारी बोल बोलते हो एक फोर्स लगता है जिसको भिसारी बोल बोलते हो वह क्या होता है है अंदर की ओर लगता है। जैसे आप गोल गोल बच्चों घूमते हो तो आप देखते हो आप दो तरह से फोर्स लगता है आपको आप एक क्या कर रहे हो बाहर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो जिससे आप तेजी से घूम सको और एक तरह से आप अपने आप को रोके भी होते हो अर्थात ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ ठीक इसी तरह से जब कोई चीज घूम रही होती है तो उस पर क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर भी बल लगता है इसको बोलते हैं केंद्रापसारी बल केंद्रापसारी बल तो इसमें क्या होता है कि जब यह तीव्र गति से घूम रहा था क्या गैसीय संरचना तीव्र गति से घूम रहा था कि केंद्रीय पसारी बल और पदार्थों के तीव्र गति से चक्रण के कारण पिंड से कुछ पदार्थ क्या हो गए अलग होने लगे अर्थात एक मैं दिखाता हूं हां बच्चों जैसे मान लो ये पूरी एक गैसीय संरचना है इसमें भूल जाओ कि इसमें स्टार अब क्या हुआ कि यहां जो मध्य वाला जो भाग है यहां पर ज्यादा जो है कि गैसे एकत्रित हो गई और जब ज्यादा एकत्रित हो गई तो यह क्या हुआ तीव्र गति से घूमने लगा जब यह तीव्र गति से क्या होगा घूमने लगेगा तो उस पिंड का अर्थात तो उस गैसीय संरचना का कुछ भाग उससे अलग होने लगा और जो केंद्र का भाग बचा वह सूर्य बना और जो भाग उससे अलग हो गए वह भी क्या हुए इसी केंद्र वाले भाग पर क्या था गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था इसी में क्या था आकर्षण बल ज्यादा था केंद्र में आकर्षण बल क्यों था क्योंकि वह क्या था भारी था उसमें अधिक भारी पदार्थों का केंद्रण हुआ था तो जो भाग घूम हुए भाग से अलग हो गए वह क्या हो गए घूमने लगे से ग्रह और ग्रह का हुआ स्वाभाविक है कांट महोदय ने जो चीजें कह दी इसमें कुछ लूप होल है जो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ने एक गलत बता रहे मैं नहीं गलत बता रहा हूं इन्होंने ही कुछ गलत कहा इसी के कारण परिकल्पना बोला जा रहा है इसको सिद्धांत नहीं बोला जा रहा ठीक है बच्चों अब देखो तो इसमें क्या हुआ इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है इन्होंने कहा कि बढ़ते आकार के कारण केंद्रासारी जो बल था वह ज्यादा जबकि केंद्रापसारी बल क्या होता ज्यादा नहीं होता है इन्होंने कहा कि जैसे जैसे भाग क्या हो गए वो सघन होते गए तो मध्य वर् भाग में क्या हुआ अधिक सघन भाग और जब अधिक सघन वाला भाग हुआ तो उसके बाद पूरा जो गैसीय पिंड था वह तेजी से घूमने लगा और कुछ भाग अलग हो गए तो आलोचना इनकी इसी आधार पर की जाती है कि यह कह रहे हैं बढ़ते आकार के कारण यह जो फोर्स है यह बढ़ गया यह फोर्स बढ़ेगा नहीं तो यहीं पर इनकी बात क्या हो गई गलत हो गई लेकिन यह कब कह रहे हैं यह सत्रह

लेकिन सूर्य और जो ग्रह की संरचना है इसमें काफी अंतर है अर्थात यहां पर भी एक सिद्धांत क्या हो जाता है फेल हो जाता इस तरह कांट महोदय ने क्या कल्पना की कांट महोदय ने कहा कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ कि पहले स्टार्टिंग में जो हमारा ब्रह्मांड था जो हमारा अंतरिक्ष था उसमें कुछ गैसें थी और ये जो गैसें हैं ये गैसे हुई, हुई थी धीरे धीरे इसमें जो भारी कण थे वह छोटे छोटे -छो कड़ों को अपने में मिलाने लगे और जब कण मिलते गए तो जो छोटे छोटे गैस के पिंड थे धूल के कड़ थे वह बड़े होते गए और जब बड़े होते गए तो केंद्र वाला जो भाग है वो बड़ा हो गया और जो बाहर वाले भाग थे उसमें छोटे छोटे कर थे वह उससे क्या हुआ कि केंद्र में एक भारी चीज और चारों हल्की चीज अब क्या हुआ धीरे धीरे जब ये तेजी से घूमने लगे तो बाहर की जो हल्की चीजें थी वो उससे अलग हो गई और जब अलग हो गई तो उसको उसको बांधे रखा सूर्य ने, अर्था ने अर्थात केंद्र केंद्र और वो के चारों ओर घूमने लगी और जब चारों ओर वह घूमने लगी तो वह चूंकि क्या थी वो घूमते हुए पिंड थे वो गैस के टुकड़े थे धूल के टुकड़े थे धीरे धीरे जुड़ते चले गए और इससे क्या हुआ ग्रहों का निर्माण हो गया ये कौन कह रहा है ये कांट महोदय कह रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि जो केंद्र वाला भाग था उसमें गैसें ज्यादा संघनित हो रही थी एक जगह पर एक हो रही थी इसी के कारण वहां पर उषमा का जनन हुआ और इस तरह से सौर मंडल की उत्पत्ति उन्होंने किस तरह से बताई कि गैसों के चक्रीय क्रम को पहले उन्होंने सर्कुलेट किया फिर कहा कि जो गैसें घूम रही थी बाहर की वो वह साथ नहीं दे सकी केंद्र का उससे अलग हो गई और अलग होकर क्या हुआ ग्रहों का निर्माण हुआ यह बात मैं नहीं कह रहा हूं ये कांट महोदय ने कहा अब एक चीज और देखो मैंने तो आपको कांट के विषय में इतना बता दिया प्लीज किसी के पास भी एनसीईआरटी हो तो मुझे कहे कि बताए क्या इतना ही एनसीईआरटी में लिखा है या जो मैंने बताया इसका क्या 20 परसेंट भी भाग लिखा है कांट महोदय के विषय में प्लीज बताइए ट्वेंटी परसेंट भी जो है कि कंटेंट लिखा हुआ है क्या ट्वेंटी परसेंट भी कंटेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा एनसीआरटी में जितना मैंने बताया कांड का उन्होंने सिर्फ नाम लिया है मैंने उनका सिद्धांत आपको बता दिया ये होता है किसी एजुकेटर से एनसीआरटी पढ़ने का अर्थ ठीक है बच्चों आप देख लो जिसके पास एनसीआरटी हो यही ऑन रिकॉर्ड बोल दो लेकिन गलत मत बोलना क्योंकि एनसीआरटी मेरे पास भी है है ना झूठ मत बोलना आप बताओ देखो जितना एनसीआरटी ने एक लाइन में लिखा है मैंने उसको इतने देर में समझाया और यह समझना आपके लिए जरूरी है इसलिए समझना जरूरी है कि आगे सभी चीजें जुड़ेंगी क्लियर हुआ क्लियर हुआ ना चलो आगे बढ़ते तो हमने एक, एक मिनट बच्चों पानी पी लू थोड़ा ठीक है बच्चों तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या समझा अपन कांट का एक सिद्धांत समझा ठीक है और उन्होंने क्या किया था परिकल्पना किया था अब जब उन्होंने परिकल्पना कर लिया तो क्या हुआ अकेले व्यक्ति थे उनको चुनौती देने वाले और लोग थे अब उसी में एक व्यक्ति और थे लाप्लास महोदय इन्होंने कहा कि कांट ने बड़ी बात कह दी है भले ही वो कम वैज्ञानिक है लेकिन आगे के समय में जब यूपीएससी की तैयारी बच्चे करेंगे तो कांट को पढ़ेंगे तो लाप्लास ने कहा कि हम यूपीएससी की पेपर तो नहीं दे सकते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा कर दें कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले सीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हमारा नाम ले तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक और परिकल्पना कर दी इन्होंने भी क्या किया परिकल्पना किया है ध्यान रखिएगा तो इनके भी सिद्धांत में क्या होगी कुछ लिमिटेशन है लेकिन इन्होंने जो परिकल्पना किया वो जिस समय कर रहे हैं सत्रह में बड़ी बात है इसी के कारण एनसीआर ने इनका भी उल्लेख किया है ठीक है बच्चों ठीक है अब देखिए अब देखिए इन्होंने एक शब्द का यूज किया यहां पर निहार का परिकल्पना का को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ने अब देखो संस्कृत में जो एक शब्द है निहार इसका अर्थ होता है कोहरा इसका अर्थ होता है बच्चों कोहरा इसका मतलब है कि जो कोहरा जैसी दिखने वाली संरचना को निहार का कहते हैं तो लैटिन शब्द नेबुला को हिंदी में बोलते हैं निहारिका और इस निहारका का शब्द का हमें ओरिजिन कहां से दिखता है संस्कृत अर्थात आकाश में जो धुएं और कुहरे की तरह नजर आने वाले जो क्षेत्र है प्रकाश का पुंज है इसको बोलते हैं हम आपका निहारिका तो निहारका का मतलब क्या है आप आसमान देखते हो उसमें जो धुएं और कोहरे जैसी संरचनाएं नजर आती हैं वही क्या है निहार एक मिनट बच्चों देखो ये देखो ये कुछ इस रूप में देख लो ये देखो ये देखो धूल और गैसों के बने हुए संरचना को भाग ये क्या है निहारिका ये क्या है बच्चों निहारिका और निहारिका क्यों क्योंकि इसमें धूल और जो है कि कोहरे जैसी आपकी संरचना देखने को मिल रही है इसी धूल और कोहरे जैसी संरचना को बोलते हैं हम लोग निहारिका ठीक है तो निहारिका हमने समझ लिया अब इसी निहारिका के आधार पर ये क्या करेंगे अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाए तो लाप्लास महोदय कहते हैं कि प्रारंभ में एक जो है कि क्या था गर्म तप्त नेबुला था गर्म और तप्त का मतलब है कि यह जो गैसीय संरचना थी ये देखो हाँ ये जो गैसीय संरचना थी ये देखो क्या है, ने, आ, नेबुला है। तो ये जो गैसीय संरचना थी स्टार्टिंग में गैसें गर्म थी तप्त थी अर्थात ये ठंडी नहीं थी अब फिर क्या हुआ गर्म होने के बाद क्या था इन्होंने कहा गर्म और तप्त था धीरे धीरे नेबुला का बाहरी भाग क्या हो गया ठंडा हो गया जबकि अंदर का भाग क्या रहा गर्म रहा स्वाभाविक है आप कोई भी चीज देखते हो जिसमें टेम्परेचर होता है वो बाहर की ओर से क्या होती है ठंडी होती है अंदर की ओर उतनी जल्दी से ठंडी नहीं होती तो यहीं पर यहां पर जो लाप्लास महोदय थे इन्होंने कहा कि जो आंतरिक भाग था वह तो ठंडा नहीं हुआ बाहरी भाग क्या हो गया ठंडा हो गया फिर क्या हुआ बाहरी भाग और आंतरिक भाग में क्या हुआ तापमान और घनत्व का अंतर आ गया कैसे अंतर आ गया जो बाहरी भाग था वह क्या हो गया ठंडा हो गया और वह जो ठंडा हो गया वह अलग अपनी विशेषता को शो करेगा जो आंतरिक भाग था यह क्या रहा गर्म बना रहा तो इसकी और बाहरी और आंतरिक भाग में क्या हुआ हो? अंतर होने के कारण क्या हुआ कि जो बाहरी भाग था वह फिलामेंट या भाग के, भाग के रूप में उससे अलग हो गया अर्थात फिर से देखो एक सेकंड ये देखिए यह देखिए यह, यह जो भाग था यह केंद्र वाला भाग था इसका टेम्परेचर क्या है ज्यादा है बाहर वाला भाग था वह क्या हो गया जो है कि ठंडा हो गया और इससे अलग हो गया क्योंकि दोनों का अब एक एक चीज समझो कोई एक ऐसा भाग है जो कि काफी गर्म है और साथ ही साथ लिक्विड की जैसे स्टेज में दूसरा भाग जो है 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 कि ठंडा हो हो चुका है, हो चुका ठोस तो ये दोनों का घूर्णन क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा आप ही लो कि कोई चीज ऐसे आप लिक्विड या जेल वाली चीज को घुमाओ ऐसे करके सेम फोर्स से और सेम फोर्स से आप ठोस वाली चीज को घुमाओ दोनों की क्या होगा अंतर होगा तो इन्होंने कहा ये जो भाग था केंद्र वाला यह अपने स्थान पर रहा और जो बाहर वाले भाग थे वह क्या हो गए फिलामेंट के आकार के इसमें अलग हो गए फिलामेंट कैसा होता है कुछ इस रूप में संरचना होती तो तो जब अलग हो गए तो यही क्या हुए बाद में ठंडे हुए और यह बीच वाला भाग क्या बन गया सूर्य बन गया और इस तरह से क्या हो गए ग्रह बने अर्थात पहले स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में हमारी एक नेबुला थी उस नेबुला का जो आंतरिक भाग था वो गर्म था उसमें क्या होगा केंद्र होता रहा जो बाहरी भाग था वो जल्दी ठंडा हो गया और ठंडा होने के कारण आंतरिक भाग का गति के साथ जो है कि संतुलन स्थापित नहीं कर पाया अलग अलग हो हो गया और होकर ये क्या हो गए इसी केंद्रीय भाग के चारों ओर घूमने लगे और जैसे जैसे घूमते गए तो उनके जो भी गैस थे धूल कर थे वो आपस में इकट्ठे होते गए और इन्होंने क्या किया आपके ग्रहों का निर्माण कर दिया ये बात यह कह रहे ठीक है बच्चों क्लियर है चले तो इन्होंने कहा कि देखिए क्या हुआ कि बाहरी भाग और आंतरिक भाग के तापमान तथा घनत्व में अंतर होने के कारण फिलामा फिलामेंट या छल्ले नुमा भाग अलग हो गया और बाद में यही जो छल्ले नुमा संरचना था ये जब ठंडा हुआ और सघन हुआ तो इससे ही ग्रह और क्या बने उपग्रह बने और जो मध्यवर्ती भाग था वो क्या बना सूर्य बना ठीक है अब देखिए अब इनकी भी आलोचना की जाती है इनकी भी सिद्धांत की आलोचना की जाती है क्यों क्यों की जाती है, क्योंकि इसका इनका भी एक था। बाहरी भाग, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के संकेंद्रण होने के कारण ठीक है अब देखिए जो बाहरी भाग था वह तो क्या हो गया ग्रह और उपर बन गया लेकिन सूर्य का जो भाग वह सूर्य कैसे बना क्योंकि केंद्र में क्या हो रहा था संकेंद्रण हो रहा था किसका संकेंद्रण हो रहा था गैसों का और गैसों का संकेंद्रण किस रूप में हो रहा था हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था इससे ऊर्जा का निर्माण हो रहा था इसी ऊर्जा के कारण सूर्य क्या हो हो गया गया एक तप्त पिंड पिंड बन गया जो जो कि प्रकाश देता है और उससे अलग गए थे छल्ले नुमा संरचना के रूप में उससे अलग हो गए थे, थे वहां पर यह क्रिया नहीं हो पाई इसी के कारण ग्रह क्या रह गए ठंडे रह गए और सूर्य के केंद्र में क्या होने लगा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा इसी से उसमें गर्मी बढ़ी उसी से उसका क्या हुआ प्रकाश बस मना क्लियर हुआ बच्चों ठीक है अब आलोचना किस आधार पे की जाती है कि इन्होंने भी कह दिया कि पृथ्वी और ग्रह और सूर्य एक ही संरचना से बने हुए हैं अर्थात इनकी जो संरचना है इसमें अंतर होना इन्होंने कहा कि क्या किससे बने हैं जो हमारी पृथ्वी है जो ग्रह है और सूर्य तीनों एक ही प्रकार से संरचना से बने हैं ये जो पृथ्वी और ग्रह कैसे बने जो बाहर फिलामेंट वाला भाग था केंद्र वाला भाग सूर्य बन गया तो इनका ही कहना है कि एक ही चीज से इसकी निर्माण हुआ है तो आलोचना की जाती है फिर अगर सूर्य और जो है कि पृथ्वी और ग्रह सभी एक ही चीज से बने हैं तो आखिर ग्रहों का और सूर्यों की जो संरचना है उसमें अंतर क्यों है और अंतर क्यों है ये बताना ये जो है कि बता नहीं पाए लापलास महोदय और इसी के कारण की आलोचना की जाती है ठीक इसी तरह इन्होंने कहा कि शीतलन की प्रक्रिया हुई और शीतलन की प्रक्रिया के कारण जो बाहरी भाग था वह क्या हो गया अलग हो गया इन्होंने यही तो कहा बच्चों कि शीतलन की प्रक्रिया के कारण जो बाहरी भाग है वह अलग हो गया तो फिर पूछा गया कि क्या उसी समय सिर्फ शीतलन की प्रक्रिया हुई थी बाद में भी तो शीतलन की प्रक्रिया हुई थी ना तो बाद में कोई भाग दूसरा फिलामेंट अलग क्यों नहीं हुआ दूसरे फिलामेंट को भी होना चाहिए था अगर यह प्रक्रिया पहले भी हुई थी ठीक है कुल मिलाकर यह आलोचना के आधार हैं इन आधारों पर क्या की जाती है आलोचना की जाती ठीक है यहां तक क्लियर बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं लाप्लास का निहार का परिकल्पना क्लियर हुआ कि नहीं प्लीज बताइए जल्दी बताइए बच्चों प्लीज जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं प्लीज बताइए कोई टाइप कर दे क्लियर हो गया ठीक है जो लोग अभी मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाएं, मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर सुनील वर्मा अन अकेडमी करके एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें वहीं पर पीडीएफ मिलेगी आगे बढ़ते हैं बच्चों अब देखो ये तो था हमारा हाइपोथेसिस स्वाभाविक है हाइपोथेसिस को हम लोग मान नहीं रहे हैं अगर उसको हम सही से मान रहे हो तो उसको सिद्धांत कहते लेकिन उसमें क्या थी कल्पना थी अब आ जाते हैं हम आधुनिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत सबसे पहले है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अब देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड क्या है स्टार्टिंग में बता चुका हूं देखना मैंने जो जो शब्द स्टार्टिंग में बताए सब यूज होंगे इसीलिए मैंने आपको एनसीआरटी की पहली लाइन यूज करने से पहले ही बहुत सी चीजों को समझा दिया अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो इस सिद्धांत का जो आधुनिक सिद्धांत है इसमें एक सिद्धांत है सबसे बड़ा बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग, बैंग थ्योरी क्योंकि यह क्या है आधुनिक रूप से स्वीकार है इसीलिए इसको आधुनिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इसका प्रतिपादन उन्नीस में जॉर्ज लेमेंटर या लेमेट्रेग के द्वारा किया गया ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं आपकी किताब में जो है आप उसको यूज कर लीजिएगा ले लेमेंटर के अनुसार पंद्रह अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था और यह जो पिंड था इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था ठीक है रुकिए यहां पर एक चीज रुको बच्चों ये देखो एक इमेज देखिए इमेज देखिए प्लीज इमेज देखिए इमेज दिखा इमेज साफ दिख रहा है साफ दिख रहा है साफ दिख रहा है तो देखो इस इमेज का सहारा हम लेते हैं इस इमेज को बनाना बच्चों थोड़ा सा टफ है ना एक सेकंड बच्चों है ना कुछ इस रूप हां कुछ इस रूप में आपके पास जो एनसीआरटी है उसमें भी आप देख सकते हो तो इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में देखो एक सेकंड दे। हाँ स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि जो हम ब्रह्मांड देखते हैं आज इतना विस्तार है ऐसा कुछ नहीं था इन्होंने कहा कि पहले जो पूरा ब्रह्मांड था वह एक पॉइंट पर था अब सोचो जब पूरा सामान जो भी हमारे ब्रह्मांड में आज चीजें दिखती हैं आप फिर से इन सभी चीजों को एक जगह पर समेटने का प्रयास करोगे तो यह जो पॉइंट अगर आप इसको इतना छोटा कर देते हो तो कितना ज्यादा सघन होगा तो इन्होंने कहा कि यह जो पिंड था वह लगभग पंद्रह अरब वर्ष पूर्व की बात करते हैं और टेम्परेचर क्या था वह बहुत ज्यादा हाई था स्वाभाविक है इतनी चीज आप इतने छोटे से क्षेत्र में इतनी वस्तुओं को भर देंगे उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाए फिर इन्होंने कहा कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण आज से लगभग तेरह दशमलव सात अरब वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ एक इसमें इसमें क्या हुआ एक महाविस्फोट हुआ और यह जो महाविस्फोट हुआ यह अचानक हुआ बहुत कम समय के लिए हुआ हुआ लेकिन इसी से क्या हुआ? हमारे यहाँ जो पूरा ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति हुई इसी के कारण इस विस्फोट को बिग बैंग बोला जाता है बिग बैंग क्यों बोला जा रहा है क्योंकि जो हमारा पूरा अंतरिक्ष का सामान था एक जगह पर था उसमें अचानक किसी कारण से विस्फोट हुआ क्यों हुआ अभी तक हम लोग सर्च नहीं कर पाए हैं वैज्ञानिक अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाए लेकिन उसमें क्या हुआ विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के साथ ही वो पूरा मटेरियल क्या हो गया फैल गया इस विस्फोट के कुछ ही सेकेंड में इन पदार्थों का क्या हो गया विस्तार हो गया और यह जो बाद में विस्तार की प्रक्रिया थी वह धीमी पड़ गई लेकिन उसी एक दो सेकंड में क्या हुआ पूरा सामान इधर से उधर फैल गया और इस तरह से इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही अभी पूरी उत्पत्ति हुई नहीं इन्होंने कहा कि जो पदार्थ बिखर गए यह पदार्थ बिखरे हुए पदार्थों ने क्या हुआ एक दूसरे से जुड़कर इन्होंने पिंडों का निर्माण किया और स्वाभाविक है आप देखते हो धूल कण या कुछ भी जब वायुमंडल में फैल गया है और धीरे धीरे जब वह इकट्ठा होगा तो इससे क्या होगा पिंडों का निर्माण होगा और इन्हीं पिंडों के निर्माण से क्या हुआ का निर्माण हुआ आकाश गंगा है, क्या है मैं बता चुका हूं आप जो आसमान में पट्टी नुमा संरचना देखते हो आकाश में जब आप तारे देखते हो तो तारों को आप जब देखते हो तो किसी एरिया के तारे होते हैं वह दरअसल किसी आकाश गंगा का क्या है भाग है तो इन्होंने कहा कि जो पहले कहा एक सभी सामान यहां पर एकत्रित था इसमें क्या हुआ विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण ये सभी चीजें क्या हो गई फैल गई और फैली तो क्या हुआ इसमें से धूल कड़ बने छोटे छोटे कड़ भी बने और इसी से क्या हुआ आकाश गंगा बने अब ये जो आकाश गंगा है इसका मतलब क्या है इसमें धूल है धोर कोहरा है सभी चीजें इसमें बनी हुई है इसी आकाश गंगा में अनेक क्रियाओं के कारण क्या हुआ तारों का निर्माण हुआ इन्हीं तारों में से एक तारा हमारा क्या है सूर्य है आपको पता है कि जब भी क्या होता है किसी वस्तु का केंद्र होगा अर्थात उसमें चीजें क्या होंगे जब इकट्ठी होती जाएंगे जब इकट्ठी होती जाएंगे तो क्या होगा उसका जब जितना भाग सघन होता जाएगा वह सघन भाग क्या करेगा कहीं ना कहीं वह अपने अंदर कोई ना कोई क्रिया करेगा आपको पता है है कि जब सघन जो जो केंद्र है, जो तारे होते हैं इनके केंद्र में क्या होता है हाइड्रोजन का क्या होता है हीलियम में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इससे ऊर्जा बनती है और ऊर्जा के ऐसे ही स्रोतों को हम क्या कहते हैं तारा कहते हैं तो इन्होंने कहा कि जो पहले सभी सामान एक स्थान पर थे उनमें विस्फोट हुआ जिसको बिंग बैंग बोला उस विस्फोट से सभी सामान बिखर गए और जब बिखर गए सामान थे जो भी पदार्थ थे धीरे धीरे वह इकट्ठे हुए और जब इकट्ठे होने लगे तो उन्हीं से इकट्ठे पिंडों से तारों का निर्माण हुआ बिग बैंग की घटना से ही समय स्थान और वस्तु की उत्पत्ति मानी जाती है और जैसा कि हमने कहा जब तारों का निर्माण हो गया है तो इसी में से एक तारा है हमारा सूर्य और मैंने कहा कि से क्या हुआ आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ इसी आकाशगंगा में एक जो है कि आकाशगंगा है मिल्की वे इसी मिल्की वे का भाग है हमारा सूर्य और इसी सूर्य से हमने देखा इसी सूर्य से हमने देखा जो पदार्थ कुछ निकले और इनसे हमने क्या किया था ग्रह और उपग्रहों का क्या किया था निर्माण किया था तो इस तरह से यह जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या यह सिद्धांत कहता है जिसका नाम है है बिग बैंग या यह, यह बताता है कि एक छोटा सा पिंड था उसी पिंड से सभी चीजें क्या हुई निर्मित हुई और इसी के कारण इसको बिग बैंग बोलते हैं ठीक है और चूंकि यह जो घटना हुई इससे पहले कोई घटना जो हुई होगी उसके लिए हमारे पास कोई टाइम हम नहीं है इसी के कारण कहा जाता है कि इसी घटना के बाद समय स्थान और वस्तु की क्या हुई उत्पत्ति हुई बिग बैंग की घटनाओं से ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या हम कर पाते हैं अर्थात इनकी विस्तार की व्याख्या कर पाते हैं अर्थात जो विस्तार वहां स्टार्ट हुआ बिग बैंग के समय आज भी वो विस्तार क्या हो रहा है हो रहा है लेकिन विस्तार की जो प्रक्रिया है वह धीरे है अर्थात जैसा कि हमने कहा कि एक छोटे से भाग पर सभी चीजें केंद्रित थी और फिर क्या हुआ विस्फोट हुआ विस्तार हुआ और यह कहा जा रहा है कि यह जो विस्तार है अभी भी हो रहा है बस गति क्या है वह काफी धीमी हो चुकी है पहले अचानक क्या हुआ यह विस्तार हुआ लेकिन अब धीरे धीरे होता है इसका प्रयोग कैसे आप करोग कैसे समझोगे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है एनसीआर ने आपसे एक प्रयोग करने के लिए बोला एनसी CIT ने कहा आप एक गुब्बारा ले लो ठीक है बच्चों आप क्या करो मान लो ये एक गुब्बारा आप ले लो. अब इस गुब्बारे पर कुछ पॉइंट बनाओ ठीक है और इस गुब्बारे को आपने फुलाया नहीं आप पॉइंट बनाओ फिर क्या करो इस गुब्बारे को फुलाओ तो आप देखोगे कि यह जो गुब्बारे हैं चूंकि जैसे जैसे गुब्बारा फैलता जाएगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा फैलेगा क्यों फैलेगा क्योंकि यह वाला भाग क्या होगा फैलेगा तो इसी तरह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा फैलेगा तो जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हो और गुब्बारा क्या होता है फूलता है तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो दूर दूर होते जाते हैं ठीक वही प्रक्रिया ब्रह्मांड में भी हुई ब्रह्मांड में पहले सभी चीजें एक जगह पर केंद्रित थी विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण क्या हुआ सभी सामान इधर उधर बिखर गए क्लियर हुआ लेकिन देखो अब गुब्बारे का प्रयोग किया गया लेकिन गुब्बारे में क्या होगा जब आप गुब्बारे को फुलाओगे तो ये जो पॉइंट है ये भी क्या होगा बड़ा होगा लेकिन यहां पर एनसीआरटी क्लियर करती है कि पॉइंट बड़े नहीं होंगे क्योंकि ये गुब्बारा इसमें तो पॉइंट बड़े हो सकते हैं अंतरिक्ष में ऐसा कोई पिंड बड़ा नहीं हो रहा लेकिन पिंडों के बीच की दूरी इसी तरह से बढ़ रही है अर्थात जिस तरह से आप गुब्बारे को फुलाते जाओगे जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही दोनों स्थानों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा बढ़ता जाएगा लेकिन पॉइंट का आकार नहीं बढ़ रहा क्लियर हुआ ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया गुड गुड ठीक तो देखो हमने कहा कि बिग बैंग घटना से सभी चीजें हो रही बिग बैंग की घटना के कुछ अरब पश्चात जगह जगह पर पदार्थों का संकेंद्रण हुआ और जब पदार्थों का संकेंद्रण हुआ तो इसमें क्या हुआ जो संकेंद्रण हो रहा इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें जो पदार्थ थे वह हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने लगे और इसी से क्या हुआ तारों का निर्माण हुआ तो जो तारों से ऊर्जा आती है वह कैसे आती है क्योंकि उनके वहां पर पदार्थों का संकेंद्रण हो रहा है हाइड्रोजन क्या हो रहा है हीलियम में हो रहा है, ठीक बच्चो? है बच्चों ठीक है। अब देखो अब समझते हैं हम तारों का निर्माण तो हमने अंतरिक्ष के संदर्भ में क्या समझ लिया बिग बैंग थ्योरी समझ लिया अब उसी से जुड़ा हुआ है तारों का निर्माण ठीक है उसी से जुड़ा हुआ तारों का निर्माण तो ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया में कई नेबुला अर्थात निहारिका का निर्माण हुआ अब देखो निहारिका मैं पहले भी बता चुका हूं फिर से बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि रिवीजन भी हो जाए और आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए दिमाग में इमेज इसलिए बननी चाहिए ताकि एनसीईआरटी की क्लास खत्म होने के बाद आपको लगे कि हम पूरी चीजें सीख गए और जितनी एनसीईआरटी में लिखा है उससे कितने गुना ज्यादा बता रहा हूं आप खुद चेक कर लेना ठीक है बच्चों अब देखो हाँ ये देखो पहले मान लो कि हमारा जो पूरा अंतरिक्ष था एक पॉइंट पे था फिर उसका क्या हुआ विस्तार हुआ जब विस्तार हुआ तो वहीं पर ये जो पदार्थ थे क्या हुए ये घूमने लगे तो इस प्रकार जो ये देख रहे हो आप तस्तरी नुमा संरचना इस तरह क्या हुआ निहारिका का निर्माण हुआ निहारिका नेबुला नेबुला का मतलब मैंने अभी बताया कि जो ऐसी संरचना ऐसी गैसों की ऐसी संरचना जिसमें गैस हो धुआं जैसी संरचना हो इसको आप क्या बोलते हैं और यही जो गैसें होती हैं यही जो धूल कर और गैसें होती हैं जब क्या होती हैं सघन होती हैं इन्हीं से क्या हो रहा है हम देख रहे हैं पिंडों का निर्माण हो रहा है जब यह क्या होता है जब पिंडों का निर्माण काफी सघन तरीके से होता है गैसे काफी तीव्र गति से एक दूसरे के पास में आती है सघन तरीके से होता है तो इसी से क्या होता है तारों का निर्माण होता है तो देखो यहां पर क्या लिखा है एक सेकंड हां यहां पर देखो कि ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया में कई क्या बने नेबुला बने अर्थात जो पदार्थ बिक्रे उन पदार्थों से क्या हुआ नेबुला बने निहारिकाएं बनी अर्थात जो है कि गैस के पिंड पिंड बने अब अब निहारिका निहारिका का निहारिका जगे जगे का निर्माण हुआ में जगह जगह पर पदार्थों संकेंद्रण होने लगा यह यह देखो पहले एक था अब यह जो पिंड फैला तो मान लो यहां पर एक क्या हुआ एक प्रकार का एक निहारिका बने ठीक है क्योंकि गैसीय संरचना है इसका कोई निश्चित सेप नहीं है फिर क्या हुआ इसमें कहा जा रहा है जगह जगह पर पदार्थ क्या होने लगे मान लो यहां पर पदार्थ पदार्थ क्या हुआ अब आसपास के पदार्थ यहां पर क्या होने लगे इकट्ठे होने लगे तो जगह-जगह पर पदार्थों के संकेंद्रण से क्या हुआ तारों का निर्माण हुआ जहां-जहां पर पदार्थ ज्यादा इकट्ठे हो गए उनके केंद्र में क्या हुआ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा और हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट होने लगा तो इससे क्या हुआ वहां पर उन जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो उससे प्रकाश निकलेगा और यही प्रकाश के जो पिंड है प्रकाशी पिंड है इसी को आप क्या कह रहे हो तारा कह रहे हो इस तरह से तारे का निर्माण हुआ तारों का निर्माण जो है कि से लेकर छह अरब वर्ष पूर्व हुआ अर्थात जो बिग बैंग हुआ जैसा कि हमने बताया तेरह दशमलव सात अरब वर्ष पूर्व उससे काफी समय बाद क्या हुआ पांच से छह अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हुआ जिस तारे में जितना अधिक क्या होता है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा उतनी ज्यादा होती है वह उतना ही क्या होता है प्रकाशमान होता है वह उतना ही ज्यादा क्या करता है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है इसी के कारण जब आप वायुमंडल में आप तारों को सॉरी आकाश में आप तारों को देखते हो तो आपको पता चलता है सभी तारों का प्रकाश अलग अलग है कारण क्या है सभी में हाइड्रोजन की मात्रा अलग है और हाइड्रोजन हीलियम में जो कन्वर्ट होने की रेट है वो सभी में अलग है इसी के कारण क्या होता है हर तारे का अपना अपना प्रकाश है और ये तारे का निर्माण हुआ है किससे जुड़ा हुआ है बिग बैंग के बाद जो निहारिकाएं बनी और जैसा कि मैंने बताया ब्रह्मांड में एक दो निहारिकाएं नहीं है हजारों निहारिकाएं हैं तो उसी से इसका क्या हुआ निर्माण हुआ ठीक है

घर गए और फिर पदार्थों ने अपने आप को जहां जहां मैनेज किया उसी के आधार पर चीजें आगे बढ़ी ठीक है बच्चों देखो देखो तो देखो, हम अब उसके बाद हमने समझ लिया कि आ, सबसे पहले हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत देखे फिर ब्रह्मांड के संदर्भ में फिर तारों के संदर्भ में अब आ जाते हैं ग्रहों के निर्माण के संदर्भ तो देखो फिर से यहां पर क्या था हमने ग्रहों का निर्माण पहले ही कर दिया है है ना लाप्लास का सिद्धांत हम पहले ही बता चुके हैं कांड का सिद्धांत पहले ही बता चुके हैं फिर से एनसीईआरटी आपसे रिवाइज करवाती है इसलिए करवाती है ताकि आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाए मैं नहीं कह रहा हूं एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए बाद में भी आपको ग्रहों का निर्माण देखने को अगर नहीं लिखा हो तो मुझे बताओ एक एक तरफ से बिना सिंगल लाइन छोड़े मैं एनसीईआरटी को आगे बढ़ा रहा हूं इसीलिए मैंने कहा कि अगर मुझसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो आपको टेक्स्ट बुक की जितनी चीजें हैं मैं यहां पर देने का प्रयास करूंगा ठीक है बच्चों आप देखो तो अब ग्रहों के निर्माण की बात की जा रही है तो निहारिका जो है कि क्या था गैसों का भाग था गैसों की गति तथा जो है कि धूल कणों के संकेंद्रण के कारण घूमती हुई तस्तरी का निर्माण अब देखो यहां पर आप यहां पर देखो बच्चों हमने कहा कि पूरा ब्रह्मांड बना अर्थात बिग बैंग की घटना हुई बिग बैंग के बाद कई निहारिकाएं बनी निहारिकाएं क्या है यह देखो जैसा ही आप देख रहे हो कि गैस का और या धुएं जैसी जो संरचना आप देख रहे हो यही क्या है निहारिका अब देखो इसमें यह जो आप देख रहे हो ना आप अगर पूरी पृथ्वी आप पूरी पृथ्वी को इसमें हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे जो बच्चों हमारी आकाश गंगा मिलकी बे मान लो हमारी मिल्की वे है इसमें अगर आप पृथ्वी को देखो तो ये जो पॉइंट हमने बताया इससे बड़ा हमारा पृथ्वी नहीं है इससे बड़ा हमारी पृथ्वी नहीं है लेकिन हम क्या है हम सबसे बड़े हैं और यही हमारा क्या है भ्रम है इसी भ्रम में हमारा जीवन क्या हो जाता है खत्म हो जाता है ठीक है बच्चों अब देखो तो हमने कहा कि निहारिका गैसों का भाग था गैसों की गति गैस और धूल करों के संकेंद्रण के कारण एक घूमती हुई तस्त्री देखो ये तस्त्री जैसी संरचना का निर्माण हुआ अगली अवस्था में क्या हुआ कि तस्त्री नुमा संरचना के जो पदार्थ थे वह छोटे छोटे गोलों में यह देखो अब यह जो तस्त्री का बाहरी भाग था इसमें जो छोटे छोटे कर थे बाहरी भाग थे वो क्या हो गए छोटे छोटे पिंडों के रूप में एकत्रित होने लगे घूमते घूमते सभी कण एक दूसरे से चिपकते जा रहे हैं और पिंड का आकार क्या हो रहा है बड़ा होता जा रहा है छोटे छोटे गोलों के संगठन से अर्थात एक दूसरे से जुड़ने से इससे क्या हुआ पिंडों का निर्माण हुआ अर्थात अगली अवस्था में क्या हो जाएंगे ये आपस में भी जुड़ जाएंगे और इस तरह से क्या हो गया बड़े बड़े पिंडों का निर्माण हो गया और कहा हो रहा है बाहरी भाग में हो रहा तस्त्री का जो केंद्र वाला भाग था वह क्या बन गया वह सूर्य बन गया और जो बाहरी भाग थे वह क्या हुआ उसकी परिक्रमा करने लगे और इन्हीं से क्या हुआ ग्रहों का निर्माण हुआ इन्हीं को आप ग्रह कहते हो और जो सूर्य का केंद्रीय भाग है इसमें क्या है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण हो रहा है और सूर्य का इसी के कारण सूर्य हमको इस रूप में नजर आता है अदरवाइज ये सभी का संबंध किससे है निहारिका से ठीक है बच्चों क्लियर ठीक है ठीक है बच्चों पहले फैक्ट बाद में पूछ लेना पहले ही तो समझ लो सब फैक्ट बता देंगे आप लोग क्या करते हो ना कोई फैक्ट लेकर आते हो है ना और सोचते हो कमेंट करें और कमेंट करें तो सर तो देख नहीं रहे कमेंट हम तो आंसर आएगा नहीं तो माहौल बन जाए बच्चों इससे कुछ नहीं होने वाला अरे मैं इतने फैक्ट देता हूं आपका दिमाग चकरा जाए है ना फैक्ट से बचा रहा हूं आपको समझा रहा हूं आपको ठीक है चलिए आगे बढ़े अब देखो हमने ग्रहों का निर्माण समझ लिया अब सौर मंडल समझो तो देखो सौर मंडल क्या है ये एनसीआरटी जैसे जैसे बता रहा मैं ऐसे ही बता रहा हूं हम लोगों ने सबसे पहले देखा आकाश गंगाएं क्या है ब्रह्मांड क्या है निहारिका क्या है उसको समझा फिर हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके दो सिद्धांत कांड का और लाप्लास का देखा फिर हमने जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत देखा फिर हमने उसी से देखा कि आखिर आकाश गंगाएं कैसे बनी तारे कैसे बने ग्रह कैसे बने अब हम आ जाते हैं सौर पर देखो सौर के विषय में क्या लिखा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आठ ग्रहों का क्या है भाग है सौर और यह जो सौर है इसका जनक माना जाता है निहार का आप दो तरह से दो से तरह से प्रश्न बनते हैं कई जगह आपको निहार का जनक दिखने को मिलेगा कई जगह सूर्य मिलेगा एक मिनट बच्चों, ठीक है कई जगह निहारिका और कई जगह सूर्य निहारिका से तात्पर्य क्या है कि चूंकि हमने कहा गैसीय संरचना थी और गैसीय संरचना का जो केंद्र वाला भाग था वह सूर्य बना और उसके जो बाहर वाले भाग थे क्योंकि यह सूर्य ही है जो सौर मंडल को सौर मंडल बनाए हुए अदरवाइज ये पिंड क्या होते दूर चले जाते तो ये मंडल नहीं बना ये सूर्य ही है जो इसको क्या कर रखता है बांधे रखता है ठीक है बच्चों तो निहारिका सौर मंडल का जनक के रूप में है निहारिका के क्रोड बनने की शुरुआत आज से क्रोड मतलब इसका जो केंद्र वाला भाग है इसके बनने की शुरुआत फाइव पांच से लेकर पांच दशमलव अरब वर्ष पहले पूर्व हुई और जब क्रो जो केंद्र वाला भाग था वो जब खूब सघन हो गया तो स्वाभाविक है जो सघन भाग था वह बाहरी भाग के साथ गति नहीं कर पाया या फिर जो अंदर वाला केंद्र वाला भाग था उसकी गति का पूरा जिस तरह से वो गति कर रहा था उसका साथ बाहर वाले भाग नहीं दे पाए और जब बाहर भाग वाले भाग नहीं दे पाए तो बाहर जो गैसे थे जो धूल कर थी इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया पिंडों का निर्माण किया तो आप यह जो पूरी संरचना देख रहे हो पहले यहां पर क्या थी गैसें थी और यह गैसें क्या थी बिखरी हुई थी छोटे छोटे कर

4.56 अरब वर्ष पूर्व हुआ। आठ ग्रहों में से चार ग्रहों को आप भित्री ग्रह अर्थात पार्थिव ग्रह बोलते हो पार्थिव शब्द इसलिए कि वो पृथ्वी की तरह हैं। इनमें आप नाम लेते हो बुद्ध शुक्र पृथ्वी और मंगल का तो बुद्ध शुक्र पृथ्वी और मंगल को आप क्या कहते हो इनर प्लेनेट कहते हो आप इसमें देख सकते हो क्यों इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी की तरह की संरचना में होते हैं अब भीतरी ग्रह के बाद देखोगे तो आपको एक जो है कि क्षुद्ध ग्रह अर्थात जो है कि मेट्रॉइड्स जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उनकी संरचना देखने को मिलेगी जैसे मान लो ये हमारा सूर्य ठीक है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और उसके बाद आपको क्या होगा यहां पर बहुत से क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे और इसके बाद क्या होगा बड़े बड़े जो ग्रह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अर्थात बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और कहां पर देखने को मिलेंगे ये आपके इस रूप में देखने को मिलेंगे इस तरह इन ग्रहों को आप कहते हो आप जो है कि छोटे ग्रह हैं आकार में और यह जो है कि कहां पर है यह जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के इस साइड में है इनर प्लेनेट है इनको आउट आउट प्लेनेट के नाम से भी जानते हो वर्ष 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था लेकिन वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसका कहा कि नहीं जो प्लूटो है वह ग्रहों की परिभाषा पर फिट नहीं बैठता है और उसको क्या कर दिया गया उसको हटा दिया गया ठीक है अब देखिए अब इसी से जो हमने ग्रह समझ लिया अब चंद्रमा को समझ लीजिए चंद्रमा के विषय में जितनी तो है? है कैसे बना तो इन्होंने डार्विन ने अठारह में कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड थे घूमते हुए एक ही पिंड थे तीव्र गति से घूमता हुआ जो पिंड था आकार में परिवर्तित हो गया और होकर क्या हुआ टूट गया इन्होंने कहा कि पहले क्या था ये की पिंड था यही इसी में पृथ्वी वाला भाग भी था चंद्रमा वाला भाग भी था ये क्या हुआ तीव्र गति से घूमने लगा और घूम रहा था तो इसका एक भाग इससे टूटकर अलग हो गया और डार्विन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी टूटे हुए भाग से हुआ अर्थात जहां पर आज प्रशांत महासागर इनका कहना है कि प्रशांत महासागर में जो गड्ढा है वह पदार्थ कहां गया गड्ढा कैसे बना उनका कहना है कि जो पृथ्वी घूम रही थी तो उसी घूमे हुए भाग से एक भाग अलग हो गया जहां पर आज प्रशांत महासागर गड्ढा है उस गड्ढे का मेटेरियल अलग हो गया और वो क्या करने लगा पृथ्वी की वो चारों परिक्रमा करने लगा उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ और ये कौन कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं डार्विन महोदय कर रहे हैं और इसके इसी के कारण इनका जो सिद्धांत बहुत तो फिट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में पृथ्वी और चंद्रमा एक पिंड थे और यह जो पिंड था तीव्र गति से घूम रहा था घूमते हुए पिंड से क्या हुआ कुछ भाग निकल गया और जब भाग निकला तो चंद्रमा था और जहां से भाग निकला वहां पर जो गड्ढा बना वही क्या प्रशांत महासागर ठीक है वर्तमान में स्वीकार नहीं है वर्तमान में जो स्वीकार सिद्धांत है उसका नाम है द बिग स्प्लेट द बिग स्प्लेट इसको बोला जाता है बिग स्प्लेट में क्या है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल के आकार का एक पिंड जो है कि पृथ्वी से टकराया और जब मंगल के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया तो इस टकराव से क्या हुआ पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और बाद में यही टुकड़े जो अंतरिक्ष में बिखर गए ये क्या हुए इकट्ठे हुए और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगे और इससे क्या हुआ चंद्रमा का निर्माण हुआ तो यह जो सिद्धांत है मान है और चंद्रमा का निर्माण अरब वर्ष पूर्व हुआ था ठीक है बच्चों अरब गुड गुड इवनिंग इवनिंग बच्चों ठीक है क्लास इलेवेंथ की पूरी होगी पांडो कुमार जी बिल्कुल होगी बिल्कुल होगी स्टार्टिंग आप लेट आए बच्चों मैं पहले सभी चीजें बता चुका हूं पूरी एनसीआर होगी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हा वहां पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे पूरे नोट्स मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरे नोट्स भी मिलेंगे और पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली और एक चीज एक चीज और अगर आप जो है कि आपको लगता है कि एनसीआर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बच्चों कल से पोलिटी एनसीआर टी पोलिटी की एन क्लास इलेवेंथ स्टार्ट करने जा रहा हूं है ना इस ये भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा पढ़ाऊंगा क्लास इलेवन पूरा पढ़ाने जा रहा हूं इसका भी लिंक आपको वीडियो जो टेलीग्राम चैनल है उसी में मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाइए पोल्टी इलेवन के भी नोट्स मिलेंगे उसकी क्लास के शेड्यूल आपको सब पता चल जाएगा और ठीक इसी तरह से इन्वायरमेंट भी पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों इन्वायरमेंट वाला जो एरिया है इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट पढ़ाने जा रहा हूं आप उसको ही पढ़ लोगे और उसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ जिससे क्लास की टाइमिंग आपको पता चलते रहे ठीक है youtube पर यह जो आपका आ, यह जो एनसीआरटी हम लोग ज्योग्राफी क्लास 11 की यह, यह youtube पर पढ़ाएं अच्छा बच्चों मेरे आज तक नहीं समझ पे आया आज तक नहीं समझ में आया मेरे कि बच्चे क्यों पूछते हैं कि youtube पर पढ़ाओगे ऐप पर पढ़ाओ बच्चों फ्री में मिल रहा है ना फ्री की क्लासेस हैं अगर ऐप में मिल रही तो ऐप पर पढ़ो ऐप पर इससे ज्यादा अच्छा होता है कोई फालतू का कमेंट नहीं करता सीरियस स्टूडेंट होते हैं वहां पर है ना वहां सीरियस स्टूडेंट होते हैं आपको तो पढ़ना चाहिए वहां पर अरे जो आपको कोई जबरदस्ती कोर्स थोड़ी बेच देगा बच्चों अगर मान लो आप ऐप यूज करते हो कोई कॉल आ जाए अन की तरफ से कि भैया आप कोर्स ले लो आप मना कर दो कि नहीं लेना हमें हम फ्री की कोर्स पढ़ेंगे तो फ्री की कोर्स पढ़ने से थोड़ी आपको कोई रोक देगा वहां पर इतनी क्लासेस होती हैं इतनी शानदार क्लासेस होते हैं आपको लगता है ऐप अरे बच्चों कितना तीस पैंतीस एम का ऐप आप अपने मोबाइल में देखो क्या क्या भर के पढ़े हो आप है ना और आपको वहां ऐप पर जाने में डर लगता है मेरे आज तक ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि जो है कि आप कहते हो कि आ, हमको ऐप पर नहीं यूट्यूब पर चाहिए अरे बच्चों जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा है ना और आप इस तरह की चीजों को प्लीज हटा दीजिए पोल्टी ऐप पर होगी सर हां बिल्कुल पोल्टी ऐप पर होगी पोल्ट्री भी ऐप पर होगी एनवायरमेंट भी ऐप पर ही होगी और लेकिन शानदार तरीके से होगी अब जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए भैया एक्सक्यूज तो दुनिया में भरे पड़े हैं है ना जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए तो कुछ भी कर दो जान भी दे दो है ना उसके लिए कम ही है अरे जब फ्री का कोर्स मैं कह रहा हूं फ्री का कोर्स है आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर क्या ही करोगे आप ठीक है टेलीग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक सुनील वर्मा अन अकेडमी करके टेलीग्राम चैनल का लिंक है मिल जाएगा आप उसको फॉलो कर लीजिए ठीक है जिस तरह से बच्चों पढ़ा रहा हूं ना एनसीआर एक बार पढ़ लो है ना टीचर बन जाओगे सब्जेक्ट से इतना आप जितना मैंने बताया ना आप किसी भी टीचर का आप उठा के देख लेना और किसी का लिंक मिल जाए इतना डिटेल का पढ़ाया हुआ तो मुझे भेज देना टेलीग्राम पर डाल देना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने चंद्रमा की बात की अब देखो फिर बात आ जाती है एनसीआर आगे बढ़ती है और बात करती है पृथ्वी की उद्भव की तो देखो पृथ्वी इस पृथ्वी के उद्भव के विषय में बताया जाए कि जब पृथ्वी बनी तो ये किस रूप में थी इस रूप में थी आग का गोला जैसे आपने पढ़ा हो ना क्लास छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है आग के गोले के रूप में थी तो पृथ्वी का जो उद्भव स्टार्टिंग में क्या थी गर्म थी और यह वीरान थी प्रारंभिक जो वायुमंडल था इसमें क्या था हाइड्रोजन और हीलियम का क्या था ज्यादा निर्माण था लेकिन यहां पर धीरे धीरे क्या हुआ जीवन प्रारंभ हुआ और देखो बच्चों एक चीज ताकि आप मेरे ऊपर ब्लेम ना करो एक सेकेंड है ना इसमें क्या हुआ धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हुआ इसका टेम्परेचर कम हुआ और टेम्परेचर कम होने से यहां पर जीवन का निर्माण हुआ और आगे के अध्याय में ग्रह पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ ये लिखा है मैंने नहीं लिखा ये एनसीईआरटी में लिखा है अर्थात एनसीआरटी ने यहां पर आपको यह कहा है कि बच्चों यह जो है जीवन का निर्माण इस पृथ्वी पर कैसे हुआ एनसीआरटी कहती है आगे बताएंगे रुको मैं बताता हूं कहां पर लिखा हुआ है एक सेकंड दीजिए मुझे कल से हाईलाइट करके लाऊंगा बच्चों ठीक है सेकेंड जी हाँ बच्चों अब देखो ये देखो पेज नंबर सत्रह और लास्ट ए वाला पैराग्राफ जहां पे रुको ये देखो मैंने जहां पे हाथ रखा है यहां यहां देखो यहां लिखा है कि नहीं लिखा है कि नहीं कि एनसी अगले अध्याय में इस पर बात की जाएगी तो मैं यहां पर स्किप नहीं कर रहा हूं ये देख लो पढ़ लो आप लोग ये क्या लिखा हुआ है एनसीआर में लिखा हुआ है एनसीआर में लिखा हुआ है तो अब क्या होगा कि आगे वाले जो चैप्टर हैं उसमें हम क्या बातें बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ तो यहां पर एनसीआरटी ने आपको हिंट दे दिया है कि आगे के चैप्टर में क्या क्या आने वाला है ठीक है बच्चों अब देखो अब यहां पर चूंकि पृथ्वी की उद्भव की बात हो रही थी

में कई चीजें यहां पर बनी आप इसको देखो कैसे आप इसी एनसीईआरटी में देखो कि इसमें बताते हैं कि जो ऊपरी भाग है वह क्या है वह ठंडा भाग है जिस पर आप रहते हो लेकिन इसके अंदर एक गर्म भाग है और सबसे अंदर में एक कोर वाला भाग है अर्थात केंद्र वाला भाग है जो ठंडा भाग है इसको यहां पर कहा गया है कि यह क्या है क्रस्ट है ये सभी चीजें एनसीईआरटी में बताई जा रही हैं और मैं इसीलिए बता रहा हूं क्यों क्योंकि अगला चैप्टर इसी से जुड़ा हुआ है NCRT यहां से इसको जो बताना था वो बता चुकी अब अगले चैप्टर के लिए क्या कर रही है आपको तैयार कर रही तो ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो भाग है कृष्ण है और इसका निर्माण क्या हुआ है हल्के पदार्थ से हुआ है इसका निर्माण हल्के पदार्थ से आप ही देखो बच्चों कि कोई गर्म चीज लो गर्म लिक्विड लो है ना और जब गर्म आप लिक्विड लो तो आप देखोगे जो भारी चीजें होंगी वो नीचे की ओर बैठेंगे जो हल्की चीजें ऊपर रह जाएंगी ठीक इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी थी घूमती हुई आग का गोला इसमें क्या था जो ऊपरी भाग था वो ठंडा था वो क्रष्ट था जो अंदर की ओर गर्म था और कोर तो काफी ज्यादा गर्म था इस रूप में हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ एनसीआरटी कहती है कि आगे हम खुद बताएंगे आप इसके लिए परेशान ना हुए ठीक है अब इसी में चूंकि बात पृथ्वी के उद्भव की हो रही है तो एनसीआर ने कुछ लाइनें आपके स्थल मंडल के विकास के संदर्भ में लिखा है कि उल्काओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रहाणु और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से हुआ है अर्थात जो भी हम पदार्थ देखते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ समानता है और जो हम सभी संरचना जितने भी उल्का पिंड है उनको ले तो उनका एक ही से निर्माण हुआ है अर्थात यहां पर ये क्या कह रहे हैं बिग बैंग वाली जो बात है यहां पर इस लाइन कहने जा रही है अर्थात जो बिग बैंग हुआ था वो एक छोटा सा पिंड उसी से सभी चीजें विस्तृत हुई आगे बढ़ी सभी का फैलाव हुआ उसी से जो है कि आकाश गंगाएं बनी तारे बने उसी से ग्रह बने उसी से सोलर सिस्टम बना तो यहाँ पे ये यह कहने जा रहे हैं कि जो भी हमारे पिंड हैं उनका एक मूल जो संरचना है वो सभी एक ही भाग से बने हुए हैं प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो गर्म और तप्त थी और जब गर्म और तप्त थी तो ऐसे में क्या हुआ लोहा और निकेल जैसे तत्व जो कि भारी है लोहा कैसा होता है निकेल कैसा होता है भारी होता है इनका केंद्र पृथ्वी के केंद्र की ओर अंदर की ओर हो गया और हल्के पदार्थ क्या रहे ऊपर रह गए इसीलिए हल्के ऊपर जो पदार्थ आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा सिल्का और एल्यूमिनियम ज्यादा मिलेगा मध्य वाले पृथ्वी के भाग में जाएंगे तो सिल्का और मैग्नीशियम मिलेगा और न, अंदर की ओर जाएंगे पृथ्वी के अंदर की वो तो वहां पर क्या मिलेगा निकल और फेरस मिलेगा यही पर एनसीईआरटी क्या होती है बच्चों खत्म हो जाती है आप देखो यहां पर एनसीईआरटी खत्म हो गई लेकिन मैंने आपसे यहां पर एक जो हाँ एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि आगे वह जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई खुद बताएं यहां पर मैंने एक पैराग्राफ आपका स्किप किया ए वाला और इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि सर कोई पता है कि उन्होंने स्किप किया अब देखो ये जो वायुमंडल है तो वायुमंडल की इसमें उत्पत्ति और विकास के विषय में लिखा है वायुमंडल और जलमंडल तो जब हम वायुमंडल और जलमंडल अपने इसी एनसीआर में पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा क्यों समझाऊंगा तब क्योंकि अगर मैं अभी समझा दूंगा बच्चों एक सेकंड मुझे दीजिए मैं अग, अगर अभी समझाऊं तो यहाँ पर फैक्ट है उनका कोई मतलब नहीं है सिर्फ आपको दो लाइने वहां पर लिखी है उनका कोई मतलब नहीं है रुको मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूं हाँ ये देखो यहाँ पर वायुमंडल को हमको पढ़ना है ठीक है देखो वायुमंडल यहां पर जब हम पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे जलमंडल तो यहाँ पर जो यह एनसीईआरटी की मैंने चार लाइनें स्किप की हैं इनको 40 उपग्रह उप जो, इन जो अगला जो चैप्टर इससे जुड़ने जा रहा है वह है का भाग, की संरचना। उसको पढ़ लो ये जो भाग है मैंने एक पैराग्राफ जो स्किप किया है इसको चालीस लाइन में बताऊंगा क्यों बताऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत जरूरी और में जाकर बताना होगा यहां पर मैं बता भी दूंगा तो आप भूल जाओगे आपने देखा इस चैप्टर को और मेरा जो अभी तक पढ़ाने का अनुभव है ये बताता है कि जो चीज दी जा रही है उसको देने का समय होना चाहिए वह वहीं पर दी जानी चाहिए जहां पर उसकी जरूरी है ठीक है बच्चों एक सेकंड सेकंड बच्चों, अब मैं आपको वहां पर ले चलता हूं जहां पर हमने चीजें खत्म की संरचना अच्छा, तो होगा, होगा आप अपने चैप्टर को खोलकर देख लीजिएगा कल हम उस पर बात करेंगे ठीक है बच्चों आप मुझसे जुड़ जाइए और मुझसे कहां, -कहां जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जब जुड़ जाएंगे तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं पोल्टी की एन स्टार्ट कर रहा हूं आप ये मुझसे पढ़ लीजिए इन्वायरमेंट मुझसे पढ़ लीजिए और आप ज्योग्राफी की जो एन है क्लास इलेवेंथ आप यहां मुझसे पढ़ रहे हैं ये तीनों कोर्स पढ़ के देख लीजिए और अगर आपको लगे कि यहां पर मुखर्जी नगर की जो आपको फीलिंग चाहिए जो कॉन्टेंट चाहिए उससे शानदार कॉन्टेंट मिल रहा है तो बच्चों क्या करना ये कोड यूज करना ये को, ये जो कोर्स मैं बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आप जिस एजुकेटर के साथ जुड़े हो वह आपके लिए कितना मेहनत करता है और डायरेक्शन कितना सही है कितनी आसान तरीके से मैं बड़ी बड़ी चीजों को समझाता हूं आपको यहां पर समझ में आएगा और जिस तरह से मैं समझाता हूं जिस हूं जिस जिस तरह तरह से से आपको आपको नोट्स देता तैयार करवाता हूं हर हफ्ते अपने आप में फर्क महसूस कर सकते हो इसलिए आपको क्या करना है यह कोड यूज करना है इस कोड को यूज करते ही आपको मेरा गाइडेंस मिल जाएगा ठीक है बच्चों तो आप क्या करिए आप मुझसे इस लिंक से जुड़ सकते हैं और बच्चों इतना ही है इसमें ठीक है ये बाकी सब चीजें इन्फॉर्मेशन कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो आप बैच कोई भी ज्वाइन करिए आप क्या करिए लाइव कोड को यूज कीजिए ठीक है बच्चों और सबसे बड़ी बात है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको मैं सभी चीजें वहां पर बता दूंगा ठीक है शिवम जी कह रहे हैं चैप्टर वन और टू का पीडीएफ बिल्कुल अपलोड करवाएंगे बिल्कुल अपलोड करवाएंगे बच्चे ठीक है आप सभी लोग जुड़ जाए किसी का और पर कोई प्रश्न ठीक है चले ठीक है बच्चों चले कल मिलते हैं फिर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बच्चों और प्लीज एक रिक्वेस्ट है सुनो 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 बच्चों एक रिक्वेस्ट है अच्छा आप तो मुझसे बोलते हो है ना कि सर ये पढ़ा दो ऐसे कर दो और आप समझो कि आपके लिए पंद्रह मिनट का कंटेंट तैयार करने के लिए एक एजुकेटर को दो से तीन घंटे मेहनत करना पड़ता है है ना दो से तीन घंटे और आप बच्चों इतना भी नहीं कर सकते हो कि अगर कोई क्लास कोई टीचर मान लो अगर मैंने नहीं मेहनत किया आपको नहीं समझा पाया तो आप मत उसको शेयर करो लेकिन अगर समझ पाए हो तो कम से कम एजुकेटर को भी तो बूस्ट करो अगर मैं कह रहा हूं आप 40 लोग हो या 45 जो भी लोग हो आप अगर 10 दस लोगों को लिंक शेयर कर दोगे तो इससे क्या होगा हमको भी अच्छा लगेगा कि हमने जो मेहनत किया बच्चों ने उसकी कीमत को समझा तो प्लीज अगर चाहो तो लिंक को शेयर कर देना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों बहुत बच्चों का भविष्य बन जाएगा अगर आप दूसरे का भविष्य नहीं बनाओगे तो बच्चों कैसे, -कैसे उम्मीद करोगे कि कोई आपकी मदद करे प्लीज शेयर कर दीजिएगा ठीक है बच्चों लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा ठीक है लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए पोल्ट्री की टाइमिंग बताएंगे अभी आप डिसाइड नहीं हुआ है जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम टेलीग्राम पर जो है कि आपको सूचित करते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए पोल्ट्री की क्लास की टाइमिंग जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बताऊंगा लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा ठीक है लिंक भी भेज दूंगा इन्वायरमेंट की क्लास का टाइमिंग जैसे ही फिक्स होता है तुरंत मैं आपको बताऊंगा ये वाली क्लास ज्योग्राफी की यहीं पर चलती रहेगी क्लियर है क्लियर है बच्चों तो चलिए कम से कम दस दस शेयर कर दीजिएगा ठीक है दस दस शेयर कर दीजिएगा चलो ठीक है बच्चों थैंक यू आपकी भी चॉइस बच्चों करना मत करना मैं रिक्वेस्ट ही कर सक थैंक यू